नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। मित्रों, ये 10 HP का लिस्टर इंजन है जो कि गहरे बोरिंग में लगा हुआ है एक ट्यूबवेल के अंदर। तो इसके ये ब्रास ख़राब हो गए हैं, आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड साइज़ के ब्रास हैं ये। ये देखिए, ये पिघल चुके हैं, इनका ये नीचे को निकल गया है जो रंग है, शीशा होता है ये। ये स्टैंडर्ड साइज़ के ब्रास देख रहे हैं आप, तो ये ख़राब हो गए हैं। ये क्यों ख़राब हुए हैं, बने रहिएगा वीडियो पर, आगे बताएंगे आपको। तो हमने ये स्टैंडर्ड साइज़ के ब्रास लिए हैं, तो और हमने पुराने ब्रास तो निकाल ही लिए हैं, और ये थोड़ी सी क्रैंक भी स्क्रैच आ गई है। इस पे हम रेग मार के जो है रेग मार से पॉलिश कर लेंगे ताकि ये चिकनी हो जाए और ब्रास जल्दी ख़राब ना हो। और अब हम ये नए ब्रास निकाल लेंगे। ये देख लीजिएगा, ये नए ब्रास हमने ओपन कर लिए हैं। ये कुछ इस टाइप से ब्रास हैं। अब हम इनको एक बार क्रैंक में लगा करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए, बिल्कुल फ्री घूम रहा है। और अब हम इनको फिटिंग करेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ ब्रास ही ब्रास खोले हैं। स्टैंडर्ड साइज़ के ब्रास देख रहे हैं आप, ये न्यू ब्रास हैं, इनका शीशा भी चमक रहा है बिल्कुल अच्छी तरह से। तो हम पहले ऊपर वाला ब्रास, यानी इसमें दो सुराख होते हैं, दो होल होते हैं मोबिल आने के लिए, ये भी हम चेक करके, और हम ऊपर अब कनेक्टिंग रोड में लगाएंगे इनको। पहले देखिए, ये जो पाइप है ये मोबिल आने वाला पाइप है, जो कि हमें यहाँ एक संतरी लगी हुई होती है एल्युमिनियम, इसके थ्रू ये क्रैंक को यहाँ मोबिल आयल सप्लाई होता है, जिसके कारण ये सप्लाई बंद होने के कारण ये ब्रास ख़राब हो जाते हैं, कहीं ना कहीं पाइप अट जाते हैं। ये वेटो वाला इंजन है, बैलेंस वेट लगे होते हैं इसमें, तो इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल की काफ़ी पर्याप्त मात्रा में ज़रूरत रहती है ब्रासों को। इसमें साइड में ये ऑयल पंप लगा होता है, ये देख लीजिएगा, इसके थ्रू हमारा पाइपों के थ्रू क्रैंक को मोबिल दिया जाता है। तो ये देखिए, ये वर्क इस तरह से करता है, जब इंजन स्टार्ट होगा तो ये इस तरह से चलता रहेगा, ऊपर नीचे वर्क करेगा ये, और हमारा जो मोबिल की सप्लाई है वो चलती रहेगी और हमारे सीआर बैरिंगों को पर्याप्त मात्रा में मिलती रहेगी। कहीं ना कहीं यहाँ ये इसके पाइप लगे होते हैं, ये बंद होने के कारण, अटने के कारण, मोबिल सप्लाई बंद होने पर ही ये ब्रास ख़राब हुए हैं। तो हमने इसको साफ़ कर लिया है इनके पाइपों को खोल करके, वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अब हम ये ऊपर वाला ब्रास फिट कर लेंगे इस तरह से, और ये देख लीजिएगा, ये बिल्कुल अच्छी तरह से बैठा लेंगे क्रैंक को नीचे करके, और अब हम इस पे थोड़ा लुब्रिकेटिंग ऑयल लगा करके क्रैंक पर बैठा देंगे। एक बोल्ट हमने निकाला था, ये सीआर बोल्ट, तो अब हम इस सीआर बोल्ट को भी लगा करके फिट कर देंगे और क्रैंक को ब्रास से सीआर वायरिंग से सटा देंगे। ये देख लीजिएगा, ये इस तरह से हम बैठा देंगे ये व्हील को घुमाते हुए, हम इसको बैठा देंगे अच्छी तरह से। अब हम निचला वाला ब्रास भी फिट करके, इस पर लुब्रिकेटिंग ऑयल लगा करके, अब हम इसको नीचे से फिट करेंगे। ये देख लीजिएगा, इस तरह से हम फिट कर लेंगे इसको, ये जिस साइड की शेप होगी उसी साइड में हम इसको लगाएंगे करके, ऊपर नीचे की साइड देख लेंगे। और अब हम नट लगाएंगे नीचे से,
ये 4 सूत का पाना इनमें लगता है, रिंग स्पैनर, ये इनको कस देंगे। दोनों बोल्ट इधर से ही हम कस लेंगे। अब हम पाना लेकर के इन दोनों नटों को टाइट करेंगे। ये टाइट हो गए हैं ब्रास, CR बेयरिंग टाइट हो गए हैं। अब हम इनके बीच में इनको ढीला करेंगे, तो इनके बीच में हम पैकिंग लगाएंगे ताकि ये लूज हो जाएं। इनको हमने ढीला कर लिया है और दोनों साइड से हम ये देखिए ये पेपर के हमने ये बना लिए हैं गत्ते के, जो ये गत्ता होता है इसके पैकिंग का, उसी के हमने ये बना लिए हैं और ये लगा देंगे इनके बीच में, ब्रासों के बीच में लगा करके ये इस तरह से हम फिट कर लेंगे। ये देख लीजिएगा, ये बीचों बीच फंसा देंगे नट ढीला करके, और अब हम नट टाइट करेंगे। नट को टाइट करके फिर देख लेंगे एक बार। अभी थोड़े टाइट हैं तो हमें अभी पैकिंग और लगाने पड़ेंगे। ये हम इस तरह से बना लेंगे, ये देख लीजिएगा, ये हमने एक एक पैकिंग और बना करके इसके अंदर लगा दिया है ब्रासों को ढीला करके। और अब हम फिर से टाइट कर लेंगे इनको। ये हमने 3-4 बना बना करके ये लगा लिए हैं, क्योंकि ये काफ़ी टाइट हो रहे थे। ये ऐसा क्यों होता है ये बता दें हम आपको, किसी किसी कंपनी का जो साइज है वो परफेक्ट नहीं होता, तो इस कारण से ये टाइट हो रहे हैं, अन्यथा ये पैकिंग कभी भी नहीं लगाने पड़ते हैं। ये यहीं पर हमें कहीं कहीं दिक्कत आ जाती है, किसी किसी CR वायरिंग का जो साइज है वो ख़राब हो जाता है, तो इस कारण से अब हम इनको अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। ये देखिए, हमने इधर एक बार और चेक करके फिर दूसरी साइड में भी हमने ये पैकिंग और लगाए हैं। अब हम अच्छी तरह से टाइट करेंगे इनको। ये देख लीजिएगा, अच्छी तरह से इनको टाइट किया गया है। अब हम एक बार घुमा करके चेक कर लेंगे। ये देखिए, इतनी इनमें पिले आ चुकी है और ये
घूम चुका है। अब हम इनको फालतू जो पैकिंग निकला हुआ है इनको हम फाड़ देंगे ताकि ये मोबिल में कट के ना गिर जाएं। ये हमने इनको फाड़ दिया है, अब ये परफेक्ट घूमने लगा है। ये देख लीजिएगा, अब हम प्लेट लगा देंगे। कभी लुब्रिकेटिंग ऑयल इसमें अभी डाला गया था तो लुब्रिकेटिंग ऑयल सही है। अब हम ये नीचे एक मोबिल उठाने वाली ऑयल डिपर होता है इसको भी कस देंगे। सॉरी, हमने प्लेट लगाने को पहले ही बोल दिया, हमने इसका ध्यान नहीं दिया। अब हम इसको लगा लेंगे नीचे से। ये ब्रास रोकने का भी काम करती है और मोबिल उठाने का भी काम करती है। एक बोल्ट टाइप का होता है ये, लेकिन इसको ऑयल डिपर भी कहते हैं, ऑयल चम्मच भी कह देते हैं। ये देखिए, ये नीचे इसमें होल होता है, चूड़ियां होती हैं, तो इसको हम ऐसे कस देंगे, अच्छी तरह से टाइट करेंगे ताकि ये खुलकर ना गिर जाए। अब हम ये प्लेट लगा देंगे, चार नटों के थ्रू इधर वाली प्लेट, बड़ी प्लेट, छोटी प्लेट को भी हमने इधर लगा दिया है। ये देख लीजिएगा, ये प्लेट फिट हो चुकी है। और अब हम इसके बाद स्टार्ट करके देखेंगे इसको। ये देखिए, अब इसको हैंडल से घुमा करके स्टार्ट किया जा रहा है। ये परफेक्ट स्टार्ट हो गया है। रेगुलर